ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में विभिन्न लॉ कॉलेज के विद्यार्थी बुधवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां तेजी से फैलती कोरोना महामारी के चलते उन्होंने ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की। वहीं डीएवीवी उप कुल सचिव ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश शासन का निर्णय है कि अप्रैल में ऑफलाइन एग्जाम होगी, इसके लिए एग्जाम सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। हम विभिन्न कॉलेजों के लॉ के विद्यार्थी हैं और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना काल जो चल रहा है, उसको लेकर डीएवीवी की तरफ से अभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। आगामी परीक्षाओं को लेकर आगामी परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जानी है, जिनका नोटिस जारी हो चुका है। और अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और दिन पे दिन कोरोना केस बढ़ते हैं, और इधर डीएवीवी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया कि 12 अप्रैल से हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, सेंटर पे बच्चों को बुलाए जाएंगे। ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, परीक्षकों के स्वास्थ्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ होगा। इस तरह की चीज़ें डीएवीवी को नहीं करनी चाहिए। डीएवीवी ने पिछली बार बहुत ही सराहनीय काम किया था, हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं और हम आभारी भी हैं सारे लॉ के विद्यार्थी और भी विद्यार्थी डीएवीवी के, कि डीएवीवी ने जो पिछली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम ली थी, उसी के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत सी परेशानियों से बच गए। किसी कारण से कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव अगर एग्ज़ाम देने आता है और उसके कारण दूसरे बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, या कोई परीक्षक कोरोना पॉजिटिव होता है, तो उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर डीएवीवी उनके उन बच्चों के और उन बच्चों के परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अगर लेती है, तो हमको कोई समस्या नहीं है ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में। आप हमको लिखित में दे दीजिए कि अगर किसी भी बच्चे कोई भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका सारा खर्चा डीएवीवी उठाएगी। कुछ भी परेशानी उसको होती है, अगर वो परीक्षा देने से वंचित रहता है कोरोना के कारण, तो उसकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। अगर डीएवीवी यह विश्वास हमें दिलाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एलएलबी के स्टूडेंट्स ज्ञापन लेकर आए थे, उनका ये कहना था कि जिस तरह से ओपन बुक सिस्टम में एग्जामिनेशन हुई थी लास्ट ईयर, उसी तरह की एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन ओपन बुक करवा ली जाए। जबकि मैं यह स्पष्ट ये करना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन का यह निर्णय है कि अब जो एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन है मार्च वाली, अप्रैल वाली, वो जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड से एग्जामिनेशन होगी। इसके लिए हम लोग हमारे एग्जामिनेशन के सेंटर्स बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ये व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रत्येक एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनेशन हॉल जो है वो सैनिटाइज किया जाए। साथ ही जो बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, ये आवश्यक रहेगा कि वो मास्क लगाएं, इन्विजिलेटर्स भी मास्क लगाएं, और एग्जामिनेशन कक्ष के बाहर थर्मल गन की व्यवस्था रहेगी, टेम्परेचर्स भी रिकॉर्ड किया जाएगा।